हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है तहा दलाल एंड वेलकम टू दिस डिस्कशन वीडियो। ये मेरा पहला डिस्कशन है इस चैनल के ऊपर, तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग डिज़ाइन या एनिमेशन या VFX में आ रहे हो, तो आपके पास कौन सा कंप्यूटर होना चाहिए जिससे आप लोग आपके असाइनमेंट्स और आपका आर्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और अगर आप लोग कल कोई फ्रीलांस का काम ले रहे हो, तो आप लोग उसे कैसे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करो और फिर जो रिजल्ट्स है वो डिलीवर करो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक यू नो ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग इन्जॉय करो। और दोस्तों, ये मैं रीज़न ये वीडियो का मैं बनाना इसलिए है बिकॉज मेरे साथ में ऐसा बहुत हुआ है कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, प्रोजेक्ट्स लिए काम के लिए, लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे सही कंप्यूटर नहीं था, सही नॉलेज नहीं थी, और मैंने यू नो बहुत गलतियाँ की सही कंप्यूटर लेने में। और मैंने मेरे सामने ऐसा बहुत हुआ है मेरे दोस्तों के साथ में कि यू नो कंप्यूटर ना होने के कारण वो लोग अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास से चले गए। तो सिर्फ कंप्यूटर एक रीज़न नहीं होना चाहिए गाइस किसी के पीछे रहने का। एंड ये एक ऐसा चीज़ है जो आप लोग अगर स्टार्टिंग में अवॉइड कर सकते हो और आपके पास अगर सही टूल्स आ जाएंगे, तो सीखना उतना ही बेटर होगा, आपका जो प्रैक्टिस है उतना ही बेटर होगा, और फिर जो करियर है आपका वो भी उतना ही बेटर होगा। तो यू नो ये एक यू नो आई थिंक शायद थोड़े लोग के लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको इंटरेस्टिंग रखूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। मैंने मेरे स्टूडियो में जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारे के बारे में भी मैं बात करूँगा, और मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी कंपैरिजंस, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, फोरम्स पढ़े, मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े, बिलीव इट ऑर नॉट कहा गया, यस काफ़ी कमेंट्स पढ़े कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, खुद कंपैरिजंस किए काफ़ी प्रोसेसर्स में। सो काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च है ताकि आपको अप टू डेट नॉलेज में दे सकूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे टॉपिक पे बात करना है, वो है लैपटॉप वर्सेस कंप्यूटर। ओ माय गॉड दोस्तों, ये टॉपिक व्हाट्सएप के ऊपर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आता है कि मैं आज कौन सा लैपटॉप लूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आप लोग डिज़ाइन एनिमेशन VFX में आ रहे हो एटलीस्ट, तो लैपटॉप आपके लिए सही टूल और सही साथी नहीं है। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और आपको एक कंप्यूटर लेना चाहिए। द रीज़न इज़ कि लैपटॉप्स दोस्तों बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और उतना पैसा देने के बाद भी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, एक पावरफुल मशीन नहीं मिलती जिसपे आप फाइनल रेंडरिंग्स, हैवी रेंडरिंग्स कर सको। एंड उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट अगर उसके ऊपर आ गया जिसपे हमको काम करके देना है, यू नो पेमेंट मिल रही है, और हम लोग काम नहीं करके दे पाए, यू नो जो डेडलाइन है उसके ऊपर, बिकॉज वो अटक अटक के चल रहा है, एंड हमको समझ नहीं आ रहा कि ठीक है फाइनल प्लेबैक कैसा है और वो सारी चीज़ें, तो यू नो सही लाइक यू नो बहुत ही एक्सपेंसिव होके अच्छा पावरफुल जो मशीन है वो नहीं मिलता लैपटॉप के अंदर। एंड फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं, मैं एक मेरे पास बजट अच्छा है और मैं एक बहुत ही पावरफुल लैपटॉप ले रहा हूँ, तो आप लोग समझिए कि 65,000 70,000 का एक पावरफुल लैपटॉप ले रहे हो जिसमें एक i7 है, 8 या 16 GB रैम है, ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा है। मैं आपको फिर भी गारंटी देता हूँ दोस्तों कि उतने ही बजट में, 65-70,000 में आपका एक बेटर असेंबल्ड कंप्यूटर आ जाएगा जो आपको फाइनल रेंडरिंग के टाइम पे अच्छी स्पीड देगा, रेंडरिंग की प्लेबैक के टाइम पे स्मूथ प्लेबैक मिलेगा, और बेटर जो ओवरऑल वर्कफ्लो है आपका वो बेटर जाएगा एक प्रोजेक्ट के टाइम पे और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स के टाइम पे एक कंप्यूटर के साथ में। एंड मैं समझ सकता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि ठीक है सर, लैपटॉप्स मुझे ज़रूरत है बिकॉज मैं एक टीम में काम करता हूँ, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी या फिर मेरा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर लेके जाना पड़ता है, या फिर मुझे यू नो टीम में काम कर रहा हूँ तो हम सब मिलके है कहाँ पर किसी घर पे, और वैसे हम लोग काम करते हैं, और तो मुझे लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशंस होती है जहाँ पे लैपटॉप इम्पॉर्टेंट लगे, बट फिर भी दोस्तों डिज़ाइन एनिमेशन VFX ये ऐसी फील्ड्स है जहाँ पर पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 में हम लोग फुल HD के आउटपुट्स और 4K के आउटपुट्स दे रहे हैं,
इन द फ्यूचर हम लोगों को शायद 60 FPS पे आउटपुट देना पड़े, मोर फ्रेम्स, हायर रेजोल्यूशन एंड तभी और यू नो और डिटेल का काम, तो तभी हम लोग को और पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप लोग स्टार्टिंग में एक लैपटॉप ले रहे हो तो आप प्रॉब्लम में हो दोस्तों। एंड जो सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, आई वुड से कि ठीक है आप एक छोटा सा लैपटॉप लो, राइट, जिससे आप लोग ग्रुप में काम शेयर कर सको, कोई क्लाइंट के पास जा रहे हो तो काम दिखा सको, लेकिन आपके घर पे या फिर आपके इंस्टीट्यूट में जो कंप्यूटर है उसको यूज़ करो ताकि आपको एक बेटर वर्क फ्लो का एक्सपीरियंस हो, राइट, आप अच्छा अच्छा काम क्रिएट कर सको, बिकॉज कंप्यूटर आपको ऑनेस्टली वैसे टाइम में हेल्प करेगा। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ठीक है दुनिया में ऐसे लैपटॉप्स नहीं है जो कंप्यूटर के साथ में कम्पीट नहीं कर सकते, है ऑफकोर्स है, एलियनवेयर की सीरीज़ है, यू नो डेल एलियनवेयर, असूस की जो रॉग सीरीज़ है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, वहाँ पे 2-2.5 लाख के लैपटॉप्स है जो जिसमें 32 GB रैम आएगा, एक छोटा सा SSD आएगा एंड पावरफुल i7 आएगा, बट इट्स नॉट वर्थ इट, उतने के अंदर मेरी 2-3 मशीन्स में बिल्ड कर दूँ। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ एक कंप्यूटर के साथ में काम करना, और जो ट्रैवलिंग वाले हैं मैं उनको भी रेकमेंड करूँगा कि आपके घर पे आप एक कंप्यूटर रखो जहाँ पे आप एक्चुअली काम कर सको, और जो छोटा लैपटॉप है उससे आप लोग डिस्प्ले, कैलकुलेशंस, यू नो ऑर्गेनाइजिंग, नोट डाउन, वो सारी चीज़ें आप लैपटॉप पे करो, वो आपको बेटर पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन बेटर पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, तो ये भी मुझे रिसेंटली आया था कि ओके, मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे लाइट कट्स, पावर कट्स बहुत फ्रीक्वेंट है और बहुत बार लाइट चली जाती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उस टाइम पे मतलब लाइक तब मैं कौन सा लैपटॉप लूँ? मैं फिर भी आपको कहता हूँ दोस्तों कि आपको कंप्यूटर ही लेना चाहिए। वैसे सिचुएशन में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ठीक है आप कंप्यूटर लो, लेकिन उसके साथ में आप थोड़ा कम पावरफुल कंप्यूटर लो, लेकिन उसके साथ में आप एक इन्वर्टर लो, बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर पड़ेगा। मेरी खुद का एक स्टूडियो है, और जब मैं स्टार्ट कर रहा था गाइस, तब मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैं भी एक ऐसे जगह पर रहता हूँ जहाँ पर लाइट कट्स बहुत होते थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं 2 लैपटॉप्स लूँगा, पावरफुल, काफ़ी पावरफुल, और मेरा उस टाइम पे कॉस्ट पड़ा था 80,000 पर लैपटॉप, राइट, तो डेल के थे, काफ़ी बड़े, काफ़ी अच्छी मशीन्स थी, टच स्क्रीन था एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, और लोग उस पर आके काम करते थे, तो हमारा काम हो रहा था। लेकिन जो कॉम्बिनेशन ये जो है कि इन्वर्टर और कंप्यूटर का, वो मुझे उस टाइम पे बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देता। लैपटॉप के अंदर फिर भी स्लो प्रीव्यू हो रहा था आफ्टर इफेक्ट्स में, प्रीमियर स्लोली रेंडरिंग कर रहा था, 3D तो हम लोग टच भी नहीं करते थे लैपटॉप्स के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें अगर एक कंप्यूटर होता तो बिल्कुल भी नहीं होती। और जो इन्वर्टर है या फिर एक UPS ले सकता था मैं कि ठीक है अगर लाइट जाती है तो मैं फिर भी काम सेव कर पाऊँ, तो वो कॉम्बिनेशन बेटर पड़ता। और इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर विल ऑलवेज बी अ विनर इन दिस क्वेश्चन कि लैपटॉप वर्सेस कंप्यूटर में, ओके? तो हमेशा गाइस ट्राई कि आप लोग कंप्यूटर के साइड पे आओ और कंप्यूटर ले सको, लैपटॉप्स आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ओके? तो समझिए आप लोग अभी सेट हो और कंप्यूटर ले रहे हो, तो आपको याद रखनी है ये 4 चीज़ें गाइस, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बिकॉज ये सबसे कॉस्टली होते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिज़ाइन, एनिमेशन, VFX में कौन से आप ले सकते हो, और यू नो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़े और स्लाइड्स ही बनाए हैं, तो हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करने वाले आज। एंड मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि गाइस देखो, ये एक बिल्ड गाइड नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ठीक है ये प्रोसेसर लो, ये मदरबोर्ड लो, ये रैम लो, ये PSU लो, या फिर मैं आपको कंपनीज के बारे में बताऊँ कि ठीक है किंगस्टन का लो या कॉर्सर का लो या फिर सैमसंग का लो। नहीं गाइस, ये उस टाइप का वीडियो नहीं है, ये बस एक जनरल डिस्कशन है कि ठीक है अगर आप लोग फ्यूचर में एक कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो प्लीज़ ये सारे जनरल स्टेप्स याद रखो, राइट? और सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है CPU के बारे में। एंड गाइस सबसे ज़्यादा लोग जो मेरे कॉन्टैक्ट में है एटलीस्ट, वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर ही करते हैं कि वो लोग CPU में ही कॉस्ट कटिंग करते हैं। कॉस्ट कटिंग आप लोग रैम में करो, हार्ड ड्राइव में करो, एक बार ग्राफिक कार्ड में भी करो तो भी चलेगा, लेकिन CPU दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर, हमारे मशीन का, और इसके अंदर गाइस कभी भी कॉस्ट कटिंग मत करो। आप लोग का अगर बजट जितना भी है,
उसके अंदर यू नो एक अच्छा प्रोसेसर लेने का सबसे पहले सोचो, बिकॉज ये जो पार्ट है गाइस उसके ऊपर हमारा सारा काम चलता है. जो प्रीमियर है फटाफट रेंडर करेगा, आफ्टर इफेक्ट्स फटाफट कैलकुलेशंस करेगा, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा काम गाइस सीपीयू के ऊपर ही होगा, और सीपीयू इज़ द एक्चुअल पावर, द रियल पावर. तो इसके ऊपर गाइस कभी भी एडजस्टमेंट नहीं, कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं, राइट. और एंड डोंट वरी, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्या सही है, 3D के लिए क्या सही है, मैं वो सब भी बातें करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रहूँगी कि देखिए कभी भी अगर आप लोग आपके फ्रेंड के साथ में बिल्ड कर रहे हो, या कुछ आपका ही कोई छोटा स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो जिसमें डिज़ाइन एनिमेशन VFX है, CPU पे कॉस्ट कटिंग नहीं. ओके, रैम, नेक्स्ट इज़ रैम अपना, कि रैम इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग CPU में कॉस्ट कट करेंगे और रैम को इंक्रीज़ कर देंगे, और वैसे शो ऑफ करेंगे कि मेरे कंप्यूटर में 16GB 32GB रैम है, एंड दैट्स वो सही नहीं है दोस्तों. रैम इंपॉर्टेंट है लेकिन CPU ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो रैम के ऊपर बात करेंगे अभी. बहुत सारे लोग समझते हैं, मतलब मैं थोड़े दिनों पहले एक जन से मिला था और मुझे व्हाट्सएप पर भी आते रहते हैं, इज़ 8GB इनफ, क्या 8GB रैम काफ़ी है मेरे काम के लिए? और आई वुड से नो, आई एम वेरी सॉरी. एंड अगेन, शायद से आप लोग डिसअग्री करो, दैट इज़ ओके. ये अगेन मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. मैं आफ्टर इफेक्ट्स में काम करता हूँ, फ्यूम में काम करता हूँ, प्रीमियर में काम करता हूँ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एंड एटलीस्ट ये सॉफ्टवेयर्स में तो आई वुड से नो. आप लोग काम कर सकते हो, येस, उसका आंसर हाँ है, बट क्या आप अच्छे से काम कर सकते हो, फटाफट काम कर सकते हो, डेडलाइंस पे अगर आपको काम डिलीवर करना है, तो क्या 8GB रैम काफ़ी है? आई वुड से नो दोस्तों. प्लीज़ एटलीस्ट 16GB रखो रैम को, राइट. एक 5000 का रैम गाइस आपका प्रोजेक्ट और आपका वर्कफ्लो ख़राब कर दे, इट्स नॉट वर्थ इट, राइट. मैं तो बोलूँगा कि भाई 5000 दे दो और फटाफट काम करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बेटर हैवी टाइप का काम करो, नए नए सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन रेंडरिंग फटाफट करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो रैम तो आई वुड से कि मिनिमम गाइस अभी 16GB आप रखो ही, ताकि आप 4K फुल HD वीडियोस एडिट कर सको, आफ्टर इफेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा रैम प्रिव्यू कर सको, FX का काम कर रहे हो तो बेटर हायर रेजोल्यूशन पे आप निकाल पाओगे. तो 16GB दोस्तों अभी मिनिमम है, एंड अपवर्ड्स का तो कुछ लिमिट तो नहीं है, बट वो बाद में बात करेंगे. तो मिनिमम दोस्तों रैम 16GB होना ही चाहिए. नेक्स्ट इज़ GPU. ओ माय गॉड, GPU का तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक केसेस मैंने देखे हैं, सुने हैं. एंड आई एम अज्यूमिंग कि देखो दोस्तों, ओके, तो सबसे पहले मुझे आंसर करना है कि शायद सर आप लोग को ज़्यादातर लोग को शायद यहाँ पे पता नहीं होगा, बट देर आर दो टाइप के CPUs आते हैं मार्केट में, मैं ढूंढ रहा हूँ. हाँ, ओके, सो एक होता है वर्क स्टेशन कार्ड, ओके, और दूसरा होता है गेमिंग कार्ड. तो जो हमारी GTX ही सीरीज़ है, जो GTX 1080 Ti, ये जो है गाइज, ये हमारा गेमिंग ग्राफिक कार्ड है. एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, नो डाउट. और मेरे भी जो हमारी जो सिमुलेशन और रेंडरिंग मशीन है मेरे स्टूडियो में, वो उसमें भी यही लगा हुआ है, राइट. एंड ये बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, लेकिन ये गेमिंग ग्राफिक कार्ड है. लेकिन आज के टाइम में, राइट, एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स दोस्तों, जिसमें आप लोग 3DS Max या फिर आई वुड से इवन माया या फिर प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हो, उसमें गेमिंग कार्ड्स और GTX ये जो सीरीज़ है दोस्तों, उसके कार्ड्स ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे. और गलती से कभी आप लोग रिसर्च करने के टाइम पे आप लोग यहाँ पर आ गए रहोगे कि वर्क स्टेशन कार्ड्स या फिर क्वाड्रो, ये अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, तो क्वाड्रो के जो कार्ड्स है गाइज, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं. और डेफिनेटली आप अगर माया 3D ऑटोकैड सॉलिड वर्क्स उस टाइप के कुछ काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो वर्क स्टेशन क्वाड्रो है ज़्यादा हेल्पफुल पड़ेगा. लेकिन आपको एक क्वाड्रो का जो कार्ड है, ओके, सो फॉर एग्जांपल गाइस समझिए कि जो 1080 Ti है, यहाँ पे भी ओपन है मेरे पास, Zotac GeForce 1080 Ti फाउंडर्स एडिशन 65,000 का है. ये अभी का सबसे हाई एंड ग्राफिक कार्ड है, राइट, हमारे गेमिंग लाइन में. और ये दोस्तों है वर्क स्टेशन का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड अभी का, क्वाड्रो P6000
ऑलमोस्ट 5.5 लाख, अगर यू नो अच्छे से अगर प्राइस सही से मिल रहा है तो 4,15,000। और ये एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है गाइस जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशंस में, और ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे गलतियाँ नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जब आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, ब्रिजेस बिल्ड कर रहे हो, उसका जो ब्लूप्रिंट्स रहते हैं वैसे टाइम को अगर जब आपको एनालाइज करना है, जो प्रिसिजन जो आपको चाहिए कि एक एक मीटर सही से कैलकुलेट हो, तो उस टाइम पे दोस्तों आपको क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी अगर इंटरनेट पे आए और थोड़ा गलती से कभी यहाँ पर आ गए कि क्वाड्रो सीरीज़ और क्या मुझे क्वाड्रो कार्ड लेना चाहिए, 90% ऑफ द टाइम्स दोस्तों मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग एडोबी में काम कर रहे हो, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, 3DS मैक्स में, अगर बहुत ही डिटेल मॉडलिंग नहीं, मतलब कुछ अगर कैरेक्टर बना रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो, उस टाइम पे गाइस आपको जो GTX है वही बेटर रिजल्ट्स देंगे बिकॉज ऑफ द प्राइस। लाइक फॉर एग्जांपल गाइस, ये 65,000 है, ये 4,15,000 है, मैं 6 GTX कार्ड्स ले सकता हूँ इस प्राइस में, राइट? लेकिन अगर मैं कोई ब्रिज बिल्ड कर रहा हूँ या फिर मेरा उस टाइप का कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तब मैं एडजस्टमेंट्स नहीं करने वाला हूँ, यू नो, और देखने वाला हूँ कि ठीक है भाई मुझे बेस्ट, लाइक मैं 65,000 का कार्ड लूँ या फिर यू नो 4 लाख का कार्ड लूँ, क्या मैं पैसे बचाऊँ? उस टाइम पर पैसे बचाने का नहीं होता दोस्तों, उस टाइम पर प्रॉपर रिजल्ट्स की बात होती है और उस टाइम पर क्वाड्रोज ही काम करते हैं। बट आप लोग अगर फिल्म मेकिंग में हो, मोशन डिज़ाइन में हो, डिज़ाइन में हो, जैसे कि मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ, तो उस टाइम पे दोस्तों ये जो GTX की सीरीज़ है और जो गेमिंग सीरीज़ है वो बेस्ट पड़ेगी। ओके, तो आई वुड से कि जो ग्राफिक कार्ड्स है उसके अंदर आपको क्वाड्रो की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेंगे। लाइक ये दोस्तों है एक क्वाड्रो P4000, तो ये हम लोग ने देखा P6000, ये सबसे पावरफुल है क्वाड्रो सीरीज़ में अभी। तो ये 2 जनरेशन पुराना ग्राफिक कार्ड है P4000, ये भी 1080 Ti से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये 2 जनरेशन पुराना ग्राफिक कार्ड है और ये सबसे नया पावरफुल गेमिंग ग्राफिक कार्ड है, ये फिर भी उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कॉस्ट बेसिस पे गाइस GTX 1080 आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा फॉर 90% ऑफ द वर्क, जैसे कि हमारा वीडियो एडिटिंग, मोशन डिज़ाइन, 3DS मैक्स में मोशन डिज़ाइन, बहुत सारे कैरेक्टर मॉडलिंग, यू नो वो सारी चीज़ें, वो सब के अंदर भी GTX ही बेटर पड़ेगा। तो इन ग्राफिक कार्ड आई वुड से जो GTX सीरीज़ है वही काफ़ी है, क्वाड्रो की तरफ जाने की ज़्यादा दोस्तों ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर भी मेरा फेवरेट है ये वाला 1050 Ti, ये बहुत ही सुपर ग्राफिक कार्ड है, वेरी पावरफुल एट अ वेरी गुड रेट, और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक आती है गाइस स्टोरेज की, एंड यहाँ पर काफ़ी कॉस्ट कटिंग होती है और यहाँ पर गाइस आप लोग अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हो कि ठीक है भाई CPU काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो यहाँ पे आप चीज़ें निकाल दो। एंड बहुत सारे लोग को शायद इसमें कन्फ्यूजन होगा कि HDD क्या है और SSD क्या होता है, एंड दिस इज़ बेसिकली स्टोरेज, राइट? हार्ड ड्राइव ये होता है और ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव जो SSD है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो आपका कॉपी पेस्ट का काम, आपका जो कैश रीड हो रहा है, तो अगर आप प्रीमियर में काम कर रहे हो और आपने वीडियो इंपोर्ट किया प्रीमियर में, तो प्रीमियर फटाफट वीडियो पकड़ पाएगा और फटाफट आपको अच्छे से प्लेबैक देगा, भले ही आपका वीडियो 4K हो, बहुत ही बड़े कैमरा से शूट किया हो, कोई डिफ़िकल्ट कोडेक हो, आपको एक स्पीड में फ़र्क आएगा SSD से। लेकिन SSDs बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव्स। फॉर एग्जांपल एक हार्ड ड्राइव समझो, अगर हार्ड ड्राइव में 1 TB आएगा समझो, नॉट श्योर ऑन दिस, 5000 का, तो 1 TB SSD आएगा इजीली 40,000 का, राइट? तो आप देख सकते हो गाइस कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड जो SSDs है वो ज़्यादातर करके लोग गाइस 1 TB लेते ही नहीं है, वो यूजुअली सिर्फ 250 GB, 125-128 GB की ही लेते हैं SSDs। बट ज़्यादातर टाइम्स जब हम लोग कॉस्ट कट कर रहे हैं तो बहुत बार SSDs को निकाल देना एक अच्छा सोल्यूशन है, बिकॉज उसके ऐसा नहीं है कि SSD के बिना हम लोग कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्लो जाएगा।
और मेरे जितने भी जो एडिटिंग और मोशन डिज़ाइन लाइक जो जूनियर्स के कंप्यूटर्स है मेरे मेरे स्टूडियो में, उसके अंदर हम लोग SSDs नहीं डालते बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और उतना रिटर्न मिलता नहीं है। तो सिर्फ एक हार्ड ड्राइव 1 TB की हम लोग बहुत बार डालते हैं कॉस्ट कट करने के लिए, और हम लोग वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं CPU और ग्राफिक कार्ड में। तो ये मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो मैं आशा करता हूँ, तो अगेन गाइज, ये एक डिस्कशन नहीं है कि ओके हम लोग कौन सा ग्राफिक कार्ड ले, कौन सा CPU ले। ये एक जनरल डिस्कशन है कि ठीक है भाई, देखो ग्राफिक कार्ड CPU में पैसे मत बचाओ, राइट? ग्राफिक कार्ड में क्वाड्रो की तरफ मत जाओ। रैम है तो 8 GB मत लो, या फिर 8 GB से कम तो सोचो भी मत, एटलीस्ट 16 GB रखो। हार्ड ड्राइव के अंदर अगर आप लोग को SSD में बचाना है पैसा, तो SSD नहीं लोगे तो इट्स ओके। तो जनरल डिस्कशन है कौन से पार्ट्स है, मुझे उसमें नहीं जाना। एंड ओ माय गॉड, इतना मैंने मस्त बनाया, एक सेकंड रुको। ओके, सो ये एक छोटा सा जोक है। ओके, सो ये गाइज एक थ्री, मैंने फुल जोक को ख़राब कर दिया। ओके, सो ये गाइज है हमारा 3 मोस्ट कॉमन बजट्स जो मुझे WhatsApp पे आते हैं, और मैंने YouTube पर भी काफ़ी, जब मैं बजटिंग बजट PC डाल रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले, और आई वॉज थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड ऑल्सो बिकॉज काफ़ी, आई वुड से काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। एंड मुझे YouTube के बारे में बात नहीं करनी, बट ये जो है बहुत सारे लोग का बजट होता है 30,000 to 35,000। तो आप एक नए स्टूडेंट हो, आप आपके पेरेंट्स आपके कोर्स फीस भर के दे रहे हैं, आपको एडमिशन करके दे रहे हैं, एंड जब आप उनसे कंप्यूटर मांग रहे हो तो उनका बजट है 30,000 to 35,000। एंड अगर आप ये सिनारियो में हो तो दोस्तों आप ये कंप्यूटर मत लो, बिकॉज ये जो बजट है गाइज, ये सिर्फ उस टाइप का बजट है कि ठीक है हम लोग ने इतने में करके दिखाया, लेकिन जब आप काम करने जाओगे तो ये जो मशीन आएगी ना गाइज इतने पैसे में, वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। देखिए बिल्ड करने के लिए हम लोग इससे भी कम में बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग 20,000 के भी नीचे बिल्ड कर सकते हैं, बट अगेन जो केसेस में मैं रह चुका हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ने प्रोजेक्ट लिया एंड डेडलाइन पे डिलीवर नहीं कर पाए तो क्लाइंट गुस्सा है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई रेंडर नहीं हो रहा है, एंड सॉफ्टवेयर बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा है, और उस टाइम पे लगता है कि काश यार भाई 5,000 और दे दिए होते तो आज ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो जाता नहीं हाथ से, या फिर मुझे क्लाइंट गालियाँ नहीं देता, मेरा नाम ख़राब नहीं होता। एंड मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है गाइस कि बहुत सारे लोगों ने ना 10,000 to 20,000 बचाने के चक्कर में अच्छी खासी जॉब्स छोड़ दी, मतलब जॉब्स उनके हाथ से चली गई बिकॉज उनके पास एक अच्छा रील नहीं था। लाइक आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 to 25,000 हो जाती भाई, अगर आप लोग ने 10,000 to 15,000 बचाने की सोचे नहीं होते तो, राइट? तो अगर आप लोग ये कैटेगरी में आ रहे हो जिसका बजट 30,000 to 35,000 है और आप लोग एक बजट पे PC बना रहे हो, गाइज ये एक एक्चुअल बजट होता नहीं है डिज़ाइन और VFX का, राइट? प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़िए कि हम लोग इसमें बना के देंगे। कोई आपको बोलता रहेगा कि ठीक है भाई 30,000 to 35,000 में बना दूंगा एंड इट्स ईजी, एंड मुझे यूट्यूबर्स के नाम नहीं लेने हो, किसी को कुछ ख़राब नहीं बोलना है, बट मैंने ये वीडियो देखा जहाँ पर 20,000 बजट वीडियो एडिटिंग PC और 40,000 गेमिंग PC बिल्ड, एंड मेरे हिसाब से ये सब दोस्तों काम नहीं आने वाला, बिकॉज इसमें जो पार्ट्स अगेन यूज़ हो रहे हैं, एक में ग्राफिक कार्ड नहीं है, एक में जो प्रोसेसर है वो इतना वीक है कि आप लाइक 3DS Max और माया को आपको भाई हफ्तों वेट करना, फिर 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा एक 5 सेकंड के शॉट को रेंडर करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेसर है गाइस वो इतना पावरफुल नहीं होता, एंड डोंट वरी मैं ये सब चीज़ पे बारे में डिटेल में बात करूँगा, बट अभी के लिए दोस्तों इतना समझ लो कि ये बजट में दोस्तों चीज़ नहीं होने वाली, राइट? ये बजट में चीज़ नहीं होने वाली, एंड आपका जो स्टार्टिंग जो बजट भी है दोस्तों वो आपको इतना रखना है। तो आई अंडरस्टैंड कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो रियलिस्टिक नहीं लगता रहेगा कि भाई आपने ऑलमोस्ट बजट डबल कर दिया है, राइट? बट दोस्तों ये जो आप मशीन बिल्ड करोगे ये आपको ईजिली 5-6 साल चलने वाली है, और आपके जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें आपको कभी ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे यार ये अभी पॉसिबल ही नहीं है करना इस मशीन पे। लाइक मुझे ऐसे कितने आते हैं कि भाई मैं एलिमेंट 3D स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जैसे ही टेक्सचर लगाता हूँ माया बंद हो जाता है, मैं जैसे ये करता हूँ वो नहीं होता। एंड ये अगर आपका बजट एटलीस्ट इतना है तो आप लोग
कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स दे ही पाओगे और आप लोग एक अच्छा फ्रीलांसर काम एक्सेप्ट कर पाओगे, राइट? तो मिनिमम टू मिनिमम दोस्तों इतना रखो. एंड सेकेंड बजट होता है ये, जो लोगों को समझ में आता है कि ठीक है हम लोग यू नो इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से हमारे करियर में और हमारे पीसी में, और ये एक आई वुड से काफ़ी अच्छा बजट है. इसके अंदर काफ़ी अच्छे यू नो पीसी और पावरफुल पार्ट्स आ जाएंगे. और ये होता है थोड़ा सा ओवरकिल, ये भी इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर एक अच्छा पीसी बिल्ड आएगा, एंड कभी कभी ये लेना इम्पॉर्टेंट भी होता है जैसे कि मेरे केस में. बट जनरली ये तीन बजट्स मैंने देखे हैं, और अगर आप लोग ये वाले लिस्ट में आ रहे हो दोस्तों तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल जाओ, बिकॉज़ ये मशीन टिकने नहीं वाली. ये मशीन 6 महीने 1 साल चलती है, एंड देन नया सॉफ्टवेयर आया तो वापस से अटकना चालू, यू नो थोड़े सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट 3D, उसको वो अगर आप बहुत ही पुराने ग्राफिक कार्ड्स के साथ में काम कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, कोई कुछ होगा ही नहीं स्क्रीन के ऊपर. तो यू नो वैसी चीज़ों से दूर रहो, राइट? एंड चलिए अब बात करते हैं यू नो बिल्ड्स के बारे में और इन बजट्स के अकॉर्डिंग बिल्ड्स. तो दोस्तों मेरे ऑफिस के अंदर हम लोग ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स, यू नो मोशन डिज़ाइन, डिज़ाइन का काम, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ मैं गाइस, तो वो भी थोड़ा करते हैं. और हम लोग की जो सेकेंड जो हमारी कैटेगरी है जिस पे हम लोग काम करते हैं, मोशन ऑल आई थिंक यहाँ पे ओपन है नहीं है सॉरी वो है FX सिम्यूलेशन. हाँ ये टोनेडो, राइट मैंने इसके लिए यहाँ पे खोल के रखा था. तो ये है एक एग्जाम्पल FX सिम्यूलेशन और रेंडरिंग का. और आप मानोगे नहीं गाइस कि इसको ये कितना आई थिंक 1 सेकेंड को रेंडर करने में गाइस ईजिली 4-5 घंटे गए हैं, सिर्फ 1 सेकेंड को रेंडर करने के लिए. 1 सेकेंड को रेंडर करने के लिए 4-5 घंटे गए. और मुझे जब ये प्रोजेक्ट जब मैं कर रहा था तब मुझे आई डोंट नो बहुत टाइम लगता था. सो इट्स यू नो मतलब बहुत ही यू नो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी. आई थिंक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगे थे मुझे एक प्रोजेक्ट को रेंडर करने में. तो 2 हफ्ते से मेरा कंप्यूटर चालू है, बंद नहीं हुआ, चलते ही जा रहे. एंड उस टाइम पे गाइज आपको यू नो एक अच्छे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो अच्छे से आपका काम कर सके. तो मैं जो थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे बिल्ड्स बनाए हैं उसके बारे में बात करूँगा, और होपफुली आपको पसंद आएगा. तो जो पहला है वो है कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ जा रहे हो तो आपको किस टाइप का कंप्यूटर हेल्प करेगा. और मेरे हिसाब से ये जो लिस्ट है गाइज ये मैंने दोनों के लिए बनाई है. तो मतलब मैंने ये दोनों कैटेगरीज के लिए लिस्ट बनाई है कि तो अगर आप एकदम ही बिगिनर हो या फिर बजट कम है तो ये कैटेगरी भी आ जाएगी और ये कैटेगरी भी. और मैं थोड़ा और भी बात करूँगा कि ओके आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए. तो ग्राफिक डिज़ाइनर गाइस आप लोग को एक अगर आप लोग एक बजट पे हो तो Ryzen 5 का जो 1600 प्रोसेसर है जो देखते हैं किधर है ये रहा. तो Ryzen 5 1600 ये जो प्रोसेसर है गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है. 6 कोर 12 थ्रेड्स एंड काफ़ी अच्छी स्पीड है 3.6 की. और मैं बहुत ही बड़ा AMD का फ़ैन हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों इंटेल ये काफ़ी यू नो हिट प्रोसेसर है इंटेल का जो 8700K. और आप देखोगे कि इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है कि कोर्स भी 6 है 12 थ्रेड्स और जो जो ये है Ryzen 5 1600 उसमें भी 6 कोर मिलेंगे, 12 थ्रेड्स मिलेंगे और 3.6 की स्पीड मिलेगी. तो स्पीड थोड़ी कम है, प्रोसेसर यहाँ पे 3.7 4.7 तक की स्पीड दे रहा है लेकिन कोर्स उतने ही है. अभी जब इनका प्राइस कंपेयर करेंगे गाइस तो इंटेल का जो 8th जन i7 8700 है वो 37,000 का ऑलमोस्ट है. थोड़ा अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट लेते हो तो थोड़ा इसे कम पकड़ लो, समझो 34,000 है. तो यहाँ पर Ryzen 5 1600 इज़ हाफ द प्राइस दोस्तों, इट्स 14,200. तो इतना बड़ा डिफरेंस जब प्राइस में आता है गाइस तब मैं i7 किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा. और मेरे यहाँ पर भी मेरे स्टूडियो में जितने भी नए बिल्ड्स हम लोग जो करेंगे फ्यूचर में और अभी भी जितने भी ज़्यादा है वो सब Ryzen बेस्ड है. और मैं ये आपको एक पर्सनल टेस्टिमोनी दे सकता हूँ कि Ryzen बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है आपके CPU के लिए और आपके काम के लिए. तो अगर ग्राफिक डिज़ाइन के साइड पे जा रहे हो आई वुड से Ryzen 5 से आपका काम हो जाएगा. काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल है
लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो थोड़ा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, कि अगर ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो और कभी एडिटिंग और मोशन डिज़ाइन का भी काम आया, जो बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं, तब आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये तो कंप्लीट बीस्ट है, बीस्ट लेवल ग्राफिक कार्ड। तो ये जो है 717, ये है यू नो आई थिंक 8 कोर 16 थ्रेड, राइट, ये रहा। एंड काफ़ी काफ़ी अच्छा, यू नो जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो उसके लिए आप जा सकते हो। आप सोचोगे अगर ना, अगर आपको बजट में कुछ और लेना है, या फिर अगर आपके यहाँ पे कुछ सेल है, कोई ऑनलाइन सेल चल रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है। ये सिर्फ एक गाइड है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ये सब चीज़ों के अंदर, बट मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बैठेगा। अगेन जो रैम है वो 16 GB 32 GB काफ़ी अच्छा होता है। और मैं 32 GB इसके लिए बोलता हूँ बिकॉज़ देर इज़ अ गुड चांस कि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर से, और जब आपके करियर में आगे बढ़ो, तो आपको मन हो कि 3D में भी जाऊँ, कि बिकॉज़ जो इलस्ट्रेटर है और जो 3D मॉडलिंग है वो मेरे हिसाब से काफ़ी सिमिलर है। और मैंने भी मेरे करियर में यही किया कि मैं मोशन डिज़ाइनर था, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर था, मोशन डिज़ाइनर बना, और अब मैं FX में जा रहा हूँ। तो जो 32 GB रैम है गाइज, वो आपको 3-4 साल बाद बहुत ही यूज़फुल पड़ेगा, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप 16 GB से स्टार्ट करो, राइट, 8x2 आपके मदरबोर्ड में 16 GB आप इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर दो स्लॉट्स छोड़ दो खाली, ताकि बाद में 2-3 साल बाद आप उसको 32 GB करो और वैसे आपकी यू नो सुपर हेल्प हो जाए। GPU, GPU दोस्तों अगेन हम लोग को क्वाड्रो नहीं चाहिए, भले ही हम लोग कितना भी बड़ा काम करे, जब तक आप सुपर लेवल का काम नहीं कर रहे जहाँ पे अगेन प्रिसिजन, स्टेबिलिटी ये सब इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिक कार्ड्स जो GTX है उससे काम चल जाएगा आपका। एंड आई वुड से 1050 Ti, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। हम लोग प्रेमियर में इसको यूज़ करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में इसको यूज़ करते हैं। मेरे तीन मशीन्स के अंदर 1050 Ti है और द परफॉर्मेंस इज़ सुपर। हम लोग प्लेक्सिस को इसके ऊपर, जब जब प्लेक्सिस रेंडर होता है गाइस, तो वो ग्राफिक कार्ड को बहुत यूज़ करता है। तब मैं यू नो 1050 की Ti की पावर को देखता हूँ। जब हम लोग 3DS Max से प्रिव्यूज़ निकालते हैं, राइट, जो रेंडरिंग नहीं लेकिन प्रीव्यूज निकालते हैं, तभी भी ग्राफिक कार्ड काफ़ी यूज़ होता है। एंड इट्स ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल कार्ड। एंड इसका ही बड़ा भाई आई वुड से 1060 है, जो अगेन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट अगेन जो VRAM है इसका, जब अगर आपके कोई अगर ज़्यादा डेस्कटॉप है, एक से ज़्यादा डेस्कटॉप चला रहे हो दोस्तों, तो 1060 थोड़ा ही यूज़फुल आ सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए हार्ड ड्राइव, नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप लोग फोटोशॉप में काम कर रहे हो, एंड अगेन फोटोशॉप के अंदर कैश जमा होता है, और अगर आप आपके पास अगर एक SSD है जहाँ पे आप कैश सेव करोगे, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 1 TB 256 GB SSD ये सही पड़ेगा बजट पे हो, तो ये कॉम्बिनेशन बेटर है गाइज। आप लोग अगर इसमें से अगर आपको SSD निकालना है, आप ये निकाल सकते हो, बट आई वुड से कि अगर उतना बजट क्रॉस हो रहा है तो ही इसको निकालो, और अगर बजट है अच्छा खासा तो आई वुड से कि ये कॉम्बिनेशन बेटर है कि 2 TB की एक हार्ड ड्राइव लो, ओके, या फिर 1 TB की एक हार्ड ड्राइव लो, ये भी चलेगा। इसमें आपका स्टोरेज होगा, राइट, आपके डाउनलोड्स, मूवीज़, मतलब कुछ भी अगर जो रिसोर्सेज है, ब्रशेज, कुछ अगर डाउनलोड किया, टेम्पलेट्स, वो सब इसमें स्टोर होगा। और ये जो है 2x256, ये जो सिस्टम है गाइज, ये मैं यूज़ करता हूँ जहाँ पे हमारे पास 512 की SSD नहीं है। 500 GB की SSD मत लो, दो 250 250 GB की SSD लो। उससे क्या होगा कि आप लोग एक SSD को आप लोग रखोगे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और एक रखोगे आप सिर्फ कैश के लिए। वो कॉम्बिनेशन भी बहुत ही फास्ट होता है, सो वेरी कूल, यू नो। तो एक हम लोग की फुल ड्राइव हम लोग ने डेडिकेट किया है सिर्फ कैश के लिए। तो कैश जो जो रीड फाइल जो जो रीड टाइम है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो बहुत फास्ट होता है, और उससे आप यू नो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ वीडियो एडिटिंग, ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें भी CPU, देखिए जो Ryzen 5 है गाइज, वो काफ़ी पावरफुल CPU है, 6 कोर 12 थ्रेड्स, तो बजट में भी बैठता है। 15,000 यू नो अगर इसको राउंड ऑफ भी कर देते हैं हम लोग, तो 15,000 के अंदर हमारे पास 6 कोर का प्रोसेसर आ रहा है एट अ वेरी गुड स्पीड। स्पीड भी बहुत अच्छी है इसकी। तो और मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ 3D रेंडरिंग, लाइक ये जो शॉट आप देख रहे हो, इसके बहुत सारे 10-20 फ्रेम्स आई थिंक उस वैसे मशीन पे रेंडर हुए, 10-20 से भी नहीं, आई थिंक इजीली 100 100 फ्रेम्स गाइज। हम लोग ने 3 सेकेंड का मटेरियल 1600 पे रेंडर किया है, सो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है गाइज।
एंड यू नो तो मोस्ट ऑफ टाइम्स यही काम चला लेगा, लेकिन अगर थोड़ा अगर फ्यूचर प्रूफ होना है, थोड़ा पावरफुल चाहिए, और स्पेशली जब 4K कंटेंट के साथ में काम कर रहे हो, तो आपके पास अगर ज़्यादा कोर्स रहेंगे, ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर रहेगा, तो Ryzen 7 1700 आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। RAM 16GB मिनिमम है आजकल वीडियो के लिए, एंड 32GB विल बी गुड। आपको 64 जाने की ज़रूरत नहीं है, 32GB आई थिंक शुड डू इट। लेकिन जो ग्राफिक कार्ड है, ये मैं वैसे लोग के लिए बोल रहा हूँ जो वीडियो के अंदर ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जैसे फिल्म मेकिंग है, आप लोग शूट कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, फिल्म मेकिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे गाइज थोड़ा इन्वेस्ट करके आप लोग 1060 ले ही लो, बिकॉज ये आपको फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा आपका मशीन। एंड अगर आपके पास बजट है तो गाइज 1080 इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, वेरी पावरफुल, बीस्ट लेवल पावरफुल गाइज। एंड जो 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 रिजल्ट्स मिल रहा है पैसे देके, वो बहुत ही अच्छा है। सो आई हाईली रिकमेंड 1080, राइट। एंड जो हार्ड ड्राइव है, ओके, यहाँ पे थोड़ा चीज़ें इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक ही ऑप्शन डाला है, और वो भी बहुत ही बड़ा और पावरफुल। एंड दैट इज़ बिकॉज कि जो हार्ड ड्राइव है फिल्म मेकिंग के टाइम पे गाइस, आप लोग को फाइल्स आप जितने कम डिलीट करो या बहुत टाइम बाद डिलीट करो उतना बेटर होता है, बिकॉज आपका जो क्लाइंट है वो कभी आपको आके बोल सकता है कि अरे यार वो जो पुराना शूट हुआ था ना, वो डे वन पे या फिर डे टू पे ऐसा कुछ, उसका यू नो रॉ फाइल्स है क्या। एंड उस टाइम पे आपको जो 4TB यहाँ पे लिखा है, 4 या एक्चुअली 6B, मेरे एक मशीन में 6TB ड्राइव है गाइस, तो उस टाइम पे वो बहुत हेल्पफुल पड़ता है। तो 4TB आई वुड से, 6TB थोड़े प्रोफेशनल हो जाओ, थोड़ा पैसे कमा लो गाइस, तो फिर ले लेना। तो 4TB काफ़ी है। एंड आई वुड से 2x256 SSD, ये वापस से वेरी वेरी यूज़फुल। एक हम लोग SSD उस पर सिर्फ सॉफ्टवेयर, तो Adobe Premiere, Adobe After Effects, जो विंडोज़ है, विंडोज़ 7, 10, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो सब वो एक यू नो ड्राइव पे डालना, सी ड्राइव पे, और एक डी ड्राइव बनाओ जिसके अंदर आप सिर्फ कैश रखो। तो जो प्रेमियर में, अगर एक्चुअली हमारे पास फोटोशॉप खुला है, तो प्रेफरेंसेज में जाके अगर हम लोग परफॉर्मेंस में जाते हैं, तो ये जो होता है गाइस कैश, राइट, ये आप लोग यू नो एडवांस सेटिंग्स आई थिंक यहाँ पे कहाँ पे तो आएगा गाइस कि हम लोग कैश डिसाइड, हाँ स्क्रैच डिस्क, तो ये दिख रहा है कैसे सिर्फ सी ड्राइव में है। तो अगर आपके पास अगर एक कैश की ड्राइव हो, एक SSD हो वो, तो आप उसको असाइन कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स और प्रेमियर में, और बहुत ही सुपर फास्ट आपको रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ये ऐसे करता हूँ मेरे वर्क स्टेशन में, और जो आफ्टर इफेक्ट्स जो भागता है गाइज, इट्स सुपर। तो 2x256 ये काफ़ी अच्छा है। एंड नेक्स्ट इज 3D। तो अगर आप लोग मॉडलिंग, लाइटिंग और स्पेशली रेंडरिंग में जा रहे हो, तो अगर बजट पे हो गाइस, तो Ryzen 5 काम कर लेगा। हम लोग ने थोड़े 3D मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हाई एंड और डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स हम लोग ने Ryzen 5 पे ख़त्म किए हैं। लेकिन अगेन, अगर खुद का यू नो आप अगर आप फ्रीलांसर हो गाइस, तो आपके टूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग Ryzen 7 ले सकते हो, लाइक आई सेड कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग मत करो, अगर पैसा है उतना तो डेफिनेटली इन्वेस्ट इन Ryzen 7। एंड आई वुड से कि 16GB लो ही मत गाइस, अगर पता है कि इसमें ही करियर बनाना है, लाइटिंग रेंडरिंग ही करना है, तो 32GB RAM लो ही, बिकॉज इन फ्यूचर गाइस आपको वो काम आएगा ही। लाइक चलो ठीक है, अभी आपने 16GB पे काम कर लिया, 2 साल बाद पता चला कि वापस से यार अभी RAM इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो 32GB आपको ईजिली आगे के 3-5 साल ईजिली चलेगा। एंड 32GB इज़ द राइट चॉइस। एंड जो ग्राफिक कार्ड है, ओके, ये इंटरेस्टिंग है कि मैं कौन सा लूँ। एंड मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन इसके लिए रखे हैं कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट कम है गाइस, तो 1060 को भी छोड़ो, मैं तो 1050 Ti भी के ऊपर भी काम करता हूँ, 3DS Max और फ्यूम इफेक्ट्स और ये जो यू नो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन अगेन थोड़ा बजट है, फ्यूचर प्रूफ करना है गाइस, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। सो ये तीन इंडस्ट्रीज में मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही बैठता है। और यू नो ये टाइप का काम गाइस मैं काफ़ी टाइम से करते आया हूँ, और मुझे बस ये वीडियो बनाना था बात करते हुए कि कहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है, यू नो कहाँ पर किसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर थोड़ा अगर जो मिसकंसेप्शन है उसको थोड़ा दूर हटाना था, तो मैं रैप अप के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, एक क्विक समरी, कि देखो गाइज़
लैपटॉप कैमरा के अंदर ऑलवेज कंप्यूटर, लैपटॉप कैमरा बोल रहा हूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर में हमेशा कंप्यूटर, इन चार चीज़ों के ऊपर ध्यान दो और सीपीयू के ऊपर कॉस्ट कटिंग मत करो, रैम 8 GB से कम या 8 GB मत लो, जो ग्राफिक्स कार्ड है 1050 Ti इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड और क्वाड्रो की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई नो कि थोड़े वीडियोस ऐसे बनाए हैं यूट्यूब पे और थोड़े ऐसे आर्टिकल्स हैं कि अगर कैड के साथ में काम कर रहे हो तो क्वाड्रो ज़रूरी है, या फिर 3ds Max, या फिर कुछ भी 3D रेंडरिंग कर रहे हो, और वो बहुत सारे लोग बहुत बार गलत पकड़ लेते हैं। तो 1050 Ti और जो GTX है वो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और आपका काम कर देगी, अनलेस आप बहुत ही स्पेसिफिक काम कर रहे हो जहाँ पे यस ग्राफिक कार्ड और जो ब्लूप्रिंट्स, जो कैलकुलेशंस है वो एकदम प्रिसाइज होने चाहिए, तो उस टाइम पे मे बी आप शायद आपको क्वाड्रो कंसिडर करना चाहिए। और वैसे आपको फिर और डिटेल में आपको छानबीन करनी है गाइज। एंड फोर्थ इज़ हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में गाइज ये एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, आपको कोई बहुत ही बड़ी 2 TB ड्राइव्स की उतनी भी ज़रूरत नहीं है, आप 1 TB पे काम चला सकते हो और SSD के बिना भी आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर बजट है तो आई वुड से कि 2 SSD मतलब 2 का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। नेक्स्ट इज़ ये बजट, प्लीज़ माई गॉड दोस्तों, ये बस एक शो ऑफ बजट रहता है, बस एक वो टाइटल बजट रहता है कि ठीक है हम लोग ने 20,000 के नीचे एक एडिटिंग PC बनाया, वो दोस्तों आपको काम करके नहीं देगा। आप लोग कभी कोई प्रोजेक्ट उठाया कि अरे मेरे को एक इसके उससे कॉन्टैक्ट से मुझे एक म्यूज़िक वीडियो को कट करने का प्रोजेक्ट मिला है, आप लोग अगर ये मशीन पे काम कर रहे हो गाइस तो प्रॉब्लम्स में आ सकते हो और आपको वो चांस लेना मेरे हिसाब से सही नहीं बैठता, राइट। एंड उसके लिए सबसे मिनिमम बजट इस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों इतना रखो ताकि आपको एक ऐसी मशीन मिले जो आपको एटलीस्ट आगे के 5 साल काम करे, राइट। ये बजट काफ़ी अच्छा होगा ये अगर बजट है तो, बट आई वुड अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी बड़ा है और सब लोग के लिए शायद से नहीं बना, बट अगर ये बजट है आपके पास तो गुड फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप काफ़ी अच्छी मशीन के ले सकते हो जो आपको फटाफट रेंडरिंग करके दे। और ये जो मशीन, ये जो बजट है वेरी हाई एंड, लेकिन जो FX रेंडरिंग इस टाइप का काम, इस टाइप के काम के लिए गाइस हमको 16 कोर, समटाइम्स इवन हायर प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास एक 16 कोर प्रोसेसर है जिसके अंदर हम लोग रेंडरिंग करते हैं, तो ये उस टाइप का बजट है गाइस। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये मशीन काफ़ी अच्छी होगी, आपका काम होते रहेगा। नेक्स्ट इज़ वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग उस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि अगर आप शूट करके ला रहे हो तो स्टोरेज के लिए ये काफ़ी अच्छा पड़ेगा, ग्राफिक कार्ड अच्छा है, रैम इज़ गुड, 32 GB इज़ गुड, द प्रोसेसर इज़ ऑल्सो गुड। 3D के अंदर अगर आपको हो सकेगा इस गो फॉर दिस, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट। कभी कोई प्रोजेक्ट आ गया ना गाइज और तब मशीन नहीं रही तो वही गाइज इट विल बी लाइक अरे यार मुझे काम इतना मिल रहा है अभी, लेकिन बस 20-30,000 बचाने के लिए मैंने प्रोसेसर और रैम और ग्राफिक कार्ड पे थोड़े कम किया एंड अब मेरा काम जा रहा है हाथ से। तो वही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जो लोग एंड तक बैठे मेरा दिल से शुक्रिया इतनी लंबी वीडियो को देखने के लिए, और मैं गाइस आपको मिलूँगा अगली बार, थैंक यू सो मच, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, बाय।